नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब सस्त्रियंका। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग में। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा, जनरल साइंस का फैकल्टी, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आप लोग सभी खुश होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। और आज आप सभी को पता है कि हमारा ग्लैंड्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था कल की क्लास में, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चंस की, जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था। आप काफी बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हो क्वेश्चंस। तो आज आखिरकार वो दिन आ गया है आप लोगों का, जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपके एसएससी में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं ऑलरेडी, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं जो हमारे बच्चे हमारे चैनल को, बेटा ये आपका अपना भी चैनल, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इनवाइट करें क्लास के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। और अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास होगी बेटा क्वेश्चन से संबंधित, और वो क्वेश्चन किससे होंगे, ग्लैंड से संबंधित होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, और सभी को कॉमेंट में आंसर करना है, सभी को आंसर करना है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स, In which of the following gland known as master gland? निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पीनल ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है आपका थायराइड ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पीयूष ग्लैंड। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में बता रहा हूं कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए पीनल ग्लैंड, सेकेंड है थायराइड ग्लैंड जिसे ऑटो ग्रंथि भी कहा जाता है, थर्ड है आपका बेटा पैराथायराइड ग्लैंड जिसे प्रावटु ग्रंथि भी बोलते हैं, और फोर्थ है आपका पीयूष ग्लैंड। आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। सबसे पहले कौन आंसर देता है देखते हैं हम इसको जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आओ चलो, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब इसका आंसर मैं बताता हूँ बेटा। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था जो मास्टर ग्लैंड होती है, यहाँ देखेंगे आप लोग बेटा, मैंने बताया था जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड हमने किसे कहा था, हमने कहा था इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको कहा था बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा था। मैंने कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है आपकी, ये सभी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने वाला कौन होता है यार, मास्टर ही तो होता है। जो कंट्रोल करता है किसी चीज को उसको मास्टर बोलते हैं ना। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम भी है, और वो नाम क्या है जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पीयूष ग्लैंड। इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है आपका, पीयूष ग्लैंड दिया हुआ है, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन के साथ साथ हम देखेंगे इसमें तीन ऑप्शन बाकी भी तो दिए हैं, इनका क्या रोल था, ये ऑप्शन क्यों आए क्वेश्चन के अंदर, कारण क्या था। देखो यार, कुछ ना कुछ अहमियत तो ये बाकी के ऑप्शन भी रखते होंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी तो ये ऑप्शन बनते आए हैं, बेशक से ये ऑप्शन गलत हो इस क्वेश्चन के लिए, बट इन तीन ऑप्शन की कुछ ना कुछ तो अहमियत होगी ना यहाँ पर, वो अहमियत हम यहाँ समझते हैं। वो अहमियत कैसे पता लगेगी हमें, वो पता लगेगी क्वेश्चन से।
क्वेश्चन किससे संबंधित है? नाम से, कि इसे मास्टर ग्रंथी के नाम से किसे जानते हैं, मतलब कि आपसे नाम की बात की जा रही है, निकनेम की बात की जा रही है, दूसरे नाम के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी का दूसरा नाम है तो उसको किस नाम से जानते हैं, इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा ऐसा आपका पीनल ग्लैंड भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकती है और पैराथायराइड भी। तो हम इन तीनों के नाम देखेंगे कि पीनल ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, थायराइड ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है और आपकी पैराथायराइड ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो पीनल ग्लैंड होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ब्यूटी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं हमारे, ध्यान रखना एक क्वेश्चन में कितने हो रहे हैं हमारे, चार। और यही फायदा होता है बेटा क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन करने का, आया समझ में? तो यहां देखना बेटा, पीनल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, बहुत अच्छे। फिर बात आती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, अवकु ग्रंथि बोलते हैं। तो दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था आपको इसको एच शेप्ड ग्लैंड भी कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, एच शेप्ड ग्लैंड। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसकी जो आकृति होती है इस ग्लैंड की वो कैसी होती है, कुछ इस एच तरह की होती है बेटा, कैसी होती है, कुछ इस एच तरह की क्या होती है, आकृति होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एच शेप्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ऐसा समझ में, बहुत अच्छे। फिर बात आती है पैराथायराइड ग्लैंड बेटा, इसको हम कैल्शियम ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बेटा, किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करती है आपके बॉडी में, इसलिए हम इसको कैल्शियम के नाम से भी जानते हैं। और पीयूष ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं बेटा, अभी क्वेश्चन था आपका मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और मास्टर ग्लैंड के साथ साथ किस नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आया समझ में आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट होगा नहीं। और ये जो क्वेश्चन था बेटा आपका एसएससी सीजीएल के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के अंदर ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई अभी भी डाउट रह गया है तो प्लीज आप लोग कमेंट में अपने डाउट को जरूर मेंशन कीजिएगा, हम और मेरी टीम आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे, जरूर करेंगे बेटा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चंस इसलिए लिखने पड़ रहे हैं यार, पीडीएफ नहीं कर पाया आप लोगों की, मैं वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बहुत मुश्किल से तो अरेंजमेंट हुआ आपके ऑनलाइन क्लास का, मैं अपने गांव में रहकर आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये मुश्किल था क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है मेरे गाँव में, इसलिए ये चीजें मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी आपको लेंथी लग रही होंगी बेटा, बट जल्द ही उन चीजों का सुधार कर लिया जाएगा, जैसे ही हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे वो चीजें आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, सेम पहले की तरह आपके टेस्ट हुआ करेंगे और सेम क्वेश्चन डिस्कशन पहले पीडीएफ आएगी और फिर उनके पीडीएफ के साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तब तक जब तक थोड़ा ये कोरोना का चक्कर चला हुआ है, जो ये नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं इस समस्या के कारण, थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन एड्रिनल हार्मोन। सेकेंड ऑप्शन आपका एसटीएच हार्मोन। थर्ड ऑप्शन आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लूको
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे बेटा, जल्दी से। क्वेश्चन बड़ा आसान। देखो यार, आप पसीना बालो बेटा, जितना पसीना बहाना है आप बालो। आ रहे ना पसीने, तो पसीना बहाओ अच्छे से। आप पसीना बालोगे ना तो आगे चल के है ना कभी पसीना नहीं निकलेगा। सच बता रहा हूँ, आगे चल के कभी पसीना नहीं निकलेगा। यहाँ देखना, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, किसकी बात की जा रही है, हार्मोन की बात की जा रही है, कि कौन सा हार्मोन मेंटेन द अमाउंट, किसकी बात की जा रही है, मात्रा को संतुलित करता है, किसकी मात्रा को, कार्बोहाइड्रेट आपके शकरा की मात्रा को बेटा, किसकी मात्रा को, फैट वसा की मात्रा को, प्रोटीन की मात्रा को, वो कौन सा हार्मोन है। तो मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है, संतुलित बनाकर रखता है, उसका अमाउंट मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन एड्रिनल हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, और डी ऑप्शन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन। कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब बात आती है, मैंने बताया था आप लोगों से कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होती है ये क्या करते हैं बेटा, आपके कार्बोहाइड्रेट, इधर देखेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, इन सभी के अमाउंट को क्या करते हैं, ये बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हार्मोन रिलीज कहां से होता है, ये हार्मोन रिलीज कहां से होता है, निकलता कहां से है, तो बेटा ध्यान रखना ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड के तो दो पार्ट है, कौन से पार्ट से निकलता है, जल्दी से बताओ मुझे, एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से निकलता है ये हार्मोन आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो याद रखना बेटा, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है कौन सा होता है बेटा, आउटर पार्ट, उससे निकलता है, किससे, आउटर पार्ट से। और आउटर पार्ट जो एड्रिनल ग्लैंड का होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जो आउटर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, ध्यान रखना, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे। आगे करते हैं शुरुआत, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, चलो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन नॉन एज सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन, नॉन एज सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन। निम्नलिखित हार्मोन में से किसे सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है, जो नमक की मात्रा को मेंटेन करके रखता है बेटा। फर्स्ट कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। सेकंड थायरोक्सिन हार्मोन, फोर्थ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड डी एसीटीएच। आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हरी अब आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से मुझे कमेंट में चाहिए आपका आंसर, जल्दी से। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्या कहा जाता है, सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है, कौन सा हार्मोन कहा जाता है, सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, इसके अंदर बी ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, बी ऑप्शन होगा, थायरोक्सिन हार्मोन होगा बेटा। क्यों, क्योंकि बात किसकी की गई है यहाँ पर, सॉल्ट मेंटेनिंग हार्मोन की बात की गई है, क्वेश्चन पकड़ने यहीं से आ गया यार। आपको पता है जो सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड है वो कौन सी, आपकी थायराइड ग्लैंड है,
थायराइड ग्लैंड कौन सी है बेटा आपकी? सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड होती है। ये कौन सी होती है? सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड, जो नमक की मात्रा बनाए रखती है आपके शरीर में। सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कौन सी है? सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड है, जो नमक की मात्रा बनाए रखती है। तो सिंपल सी बात है, जो इससे हार्मोन निकल कर आएगा, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। वो थायरोक्सिन हार्मोन करेगा क्या बेटा? सोल्ट का ही अमाउंट बना के रखेगा। क्या करेगा? सोल्ट का ही अमाउंट बनाकर रखेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था यहाँ पर, वो थोड़ा सा यहाँ पर एडिट भी कर सकता था, इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज भी कर सकता था। वो चेंज क्या हो सकता है बेटा? इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है? जल्दी से बताओ कौन करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, कौन करता है रेगुलेट? तो बेटा अब मैंने बताया था, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये तीन फंक्शन करता है। क्या करता है? तीन फंक्शन। और इसके तीन फंक्शन में से पहला तो आपने देख लिया कौन सा है, सॉल्ट मेंटेनिंग, क्या है, सॉल्ट का अमाउंट मेंटेन करता है। सेकंड फंक्शन कौन सा है? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन का बेटा? ये आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। किसको? ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आया समझ में आप लोगों को? यहां तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो कोई भी आपको समस्या परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे यार, ठीक है। तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताए जल्दी से, नहीं तो अदरवाइज हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छे यार, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ही बेनिफिट है इसमें। क्या बेनिफिट है? यहाँ पर जो भी क्लास होंगी आपकी, जैसे मैथ्स की क्लास हो रही है डेली, संतोष सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पता लग जाए बेटा, ठीक है। ये बेनिफिट होता है आपका सब्सक्राइब करने से। और उसमें फिर थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है बेटा? हमें पता लगता रहता है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, ये चीजें भी हमें पता होती है बेटा, और ये जरूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको क्वेश्चंस में है भाई? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसटीएच हार्मोन, सोमेटिक ट्रॉपिक हार्मोन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ स्टोमेटिक ट्रॉपिक हार्मोन, विच डिजीज विल अकर, विच डिजीज विल अकर। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ड्वार्फिज्म, सेकेंड ऑप्शन है बी गॉइटर, घिंगा रोग बोलते हो जिसे आप, सी ऑप्शन है बेटा आपका गिगेंटिज्म, और डी ऑप्शन है बेटा नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। क्या होगा आंसर बेटा? जल्दी से बताओ इसमें से क्या रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, किसके अधिक हो जाने पर, किस हार्मोन के अधिक हो जाने पर, किसकी बात की गई है बेटा? अधिक हो जाने पर, किसके? एसटीएच हार्मोन के अधिक हो जाने पर। डिजीज का मतलब बीमारी, कौन सी बीमारी जन्म ले लेती है? जब एसटीएच हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में अधिक होती है तो कौन सी बीमारी जन्म ले लेती है, उसका नाम बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, ये आपके ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो यार, नहीं आ रहा आपका ऑप्शन, जल्दी से बताओ, याद रखना। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या रहेगा इसका? राइट ऑप्शन बेटा
सी रहेगा, क्या रहेगा इसका, सी रहेगा, गिगेंटिज्म होगा बेटा, गिगेंटिज्म। इसको क्या बोलते हैं, विशाल काया वाला शरीर, क्या बोलते हैं, विशाल काया वाला शरीर, विशाल काया वाला शरीर, विशाल काया वाला शरीर बेटा। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं आता मेरे हिसाब से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, वो चीज क्या ध्यान रखोगे आप लोग, बड़ी आसान सी है, ड्वार्फिज्म डिजीज किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना ये डेफिशिएंसी के कारण होता है बेटा। यहीं पर एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका, ड्वार्फिज्म डिजीज कब होगा, ध्यान रखना ये डेफिशिएंसी में होगा, कमी में होगा। किसकी कमी में होगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो यार, किसकी कमी के अंदर ड्वार्फिज्म डिजीज होता है, किसकी कमी के कारण, किस हार्मोन की कमी के कारण, जल्दी से करो, जल्दी से कमेंट करो यार, अरे जल्दी से बताओ मुझे, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है बेटा ड्वार्फिज्म डिजीज होता है। तो ध्यान रखना बेटा उस हार्मोन का नाम क्या है, एसटीएच हार्मोन है बेटा, क्या है, एसटीएच हार्मोन। इसी हार्मोन की वजह से यदि कम है यह हार्मोन हमारी बॉडी में तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। इसको क्या कहा जाता है, बोनापन कहा जाता है इसमें बेटा, बोनापन। तो लोग बोने रह जाती है, जो लोग बोने रह जाते हैं मूवी में अक्सर देखा होगा आपने, तो बोने होते हैं बेचारे वो लोग, उनके अंदर किसकी कमी होती है, एसटीएच हार्मोन की कमी होती है बेटा, किसकी, एसटीएच हार्मोन की, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म, बोने रह जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है गॉइटर डिजीज, किसकी बात आती है बेटा, गॉइटर डिजीज इसकी बात आती है। ये गॉइटर डिजीज कब होता है आपको, किसकी कमी या किसके ज्यादा होने पर होता है, जल्दी से बताओ मुझे। तो बेटा ध्यान रखना ये भी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है बेटा, सॉल्ट की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण, नमक की कमी के कारण। कौन सा डिजीज होता है, गॉइटर डिजीज होता है, घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है, घेंगा रोग होता है आपका, आया समझ में, कौन सा होगा बेटा, घेंगा रोग होगा। कोई दिक्कत नहीं आता, किसी भी बच्चे को कोई समस्या परेशानी, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना, डेफिशिएंसी में होगा ड्वार्फिज्म, किसके डेफिशिएंसी से होगा, एसटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से होगा। गॉइटर क्या होगा, डेफिशिएंसी से, कमी से, किसके, सॉल्ट की कमी से बेटा। ये गिगेंटिज्म किसकी कमी से होगा बेटा, आपके एसटीएच हार्मोन की, सॉरी ज्यादा होने से, सॉरी इसमें जो गिगेंटिज्म डिजीज है वो ज्यादा होने से हुआ, किसके ज्यादा होने से हुआ, आपकी ये एसटीएच हार्मोन के ज्यादा होने से हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे, आज तो आप लोग सभी खुश होंगे भाई, हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं। बाकी लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस नहीं करवा रहे, अब तो क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके, बस आपकी खुशी हमारी खुशी, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं, बस आप लोग खुश होना जरूरी है सबसे पहले। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन नॉन एज एमरजेंसी हार्मोन, नॉन एज एमरजेंसी हार्मोन, निम्नलिखित हार्मोन में से किसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, फर्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सी टीएफ हार्मोन एंड डी कैल्सिटोनिन हार्मोन। जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, जल्दी से मुझे ऑप्शन बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से हरी अब कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, हरी अब। ठीक है बेटा, आपका आंसर इसका क्या रहेगा, टीएफ। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी क्योंकि मैंने निकनेम ही डाल दिए दोनों, इमरजेंसी हार्मोन भी निकनेम में दे दिया और 3F भी आपका निकनेम में दे दिया बेटा। मैंने आपको बताया था एक कौन सा एड्रिनल हार्मोन बताया था बेटा, कौन सा बताया था,
एड्रेनल हार्मोन बताया था, याद है या भूल गए हो आप लोग? एक दिन पहले की कहानी याद है या नहीं है आप लोगों को? याद है, बहुत अच्छे। तो मैंने बताया था बेटा, जो एड्रेनल हार्मोन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 3F हार्मोन बोलते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 3F का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुन लें, जिनको 3F का मतलब यहाँ नहीं पता है। 1F का मतलब तो होता है बेटा यहाँ पर फाइट, जो आप लोग करते हो अक्सर लड़ाई। दूसरा होता है फ्राइट, जिसमें आप बहुत कम डरते हो बेटा। और तीसरा होता है फ्लाइट, जिसमें बहुत कम मौका मिला आपको फ्लाइट में बैठने का। कौन कौन फ्लाइट में बैठा है जल्दी से कमेंट करके बताओगे? बैठे हो आप लोग फ्लाइट में? मैं तो बैठा हूं भाई। आप लोग बैठे हो फ्लाइट में? नौकरी पाओ यार, सभी फ्लाइट में घूमोगे आप। ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। जो हम नीचे जमीन पे रह के उन्हें ऊपर उन चीजों को देखते हैं ना, वो ज्यादा दूर नहीं है हम लोगों से। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, वो ऊपर वाली चीजें हमारे पास नहीं, किसी और के पास नहीं। वो बनी किसके लिए है? इंसान के लिए बनी हुई है ना। हम भी इंसान की कैटेगरी में आते हैं। तो बस हमें कोशिश करनी है, क्या? थोड़ी सी मेहनत करनी है। बस थोड़ी सी मेहनत करो आप लोग हमारे साथ, हम गारंटी देते हैं कि वो सारी चीजें हम दिलाएंगे आप लोगों को। और दिलाएंगे क्या? अपने आप आपको मिल जाएंगे। हम तो सिर्फ क्या करेंगे, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं बस। ठीक है, बहुत अच्छे यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इन विच फॉलोइंग ग्लैंड्स gives the information, regarding different types of mineral inside the body. Option A, thymus gland. Option B, parathyroid gland. Option C, pituitary gland. And option D, adrenal gland. जल्दी से मुझे बताओ। अरे अब जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? In which of following glands gives the information regarding different type of mineral inside the body? तो आपके शरीर में बहुत अनेक प्रकार के जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में सूचना कौन सी ग्लैंड देती है बेटा? जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आपकी खनिज के बारे में सूचना देती है, जो आपकी खनिज की मात्राओं को बनाकर रखती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है? जल्दी से मुझे बताओ बेटा, जल्दी से। यहां फंसने वाले हो आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे। हरे जल्दी से बताओ यार, क्या होगा आपका आंसर इसमें? क्या होगा जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, यहां देखना इसमें आपका जो आंसर होगा बेटा कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा बेटा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन में क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। फिर दोबारा बता रहा हूं, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। एड्रेनल ग्लैंड से अक्सर क्वेश्चन आता है। एड्रेनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है, कौन सा? आउटर पार्ट का नाम क्या है बेटा? कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट का नाम क्या है? कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से 3 हार्मोन निकलते हैं, और उनमें से एक हार्मोन होता है कौन सा? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। कौन सा होता है बेटा? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और यही वो हार्मोन है जो क्या करता है, हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हमेशा इंफॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स
इनसाइड द बॉडी, जो आपके अनेक प्रकार के मिनरल्स आपके शरीर में उपस्थित होते हैं उनके अमाउंट को ये बैलेंस करता है। कौन करता है बेटा? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ये कहां से निकलता है? कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला भाग। कौन था? आउटर पार्ट। किसका आउटर पार्ट? आपका एड्रिनल ग्लैंड का, पवित्र ग्रंथि का आपका बाहर वाला भाग होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी बताओ मुझे यार, कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत अच्छे, नहीं है? कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन एक बार आपका आरआरबी में पूछा गया था बेटा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान और लॉजिकल है ये क्वेश्चन। क्या है ये बड़ा ही आसान और लॉजिकल क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज अ हार्मोन। आप कहोगे कि सर ग्रंथियां तो सारी हार्मोन रिलीज करती हैं, ग्लैंड्स तो सारी क्या करती हैं? हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और आपने ये कौन सा दे दिया? कुछ आउट ऑफ सिलेबस जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ध्यान से पकड़ना इस क्वेश्चन को बेटा, ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। सेकेंड ऑप्शन, थोड़ा सा लेवल हाई है इसका बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड्स। सी ऑप्शन इसका बेटा, सी ऑप्शन आएगा आपका थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट डी ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? नन ऑफ दिस। तो मुझे जल्दी से बताओ कौन सा रहेगा इसमें ऑप्शन बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, हरी अप, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा रहेगा बेटा इसके अंदर डी ऑप्शन, जल्दी से बताओ बेटा क्या रहेगा इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को तो, है ना? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया बेटा। क्वेश्चन सीधा सा है यार, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सी ग्रंथि हार्मोन को रिलीज करती है? तो मैंने बताया था बेटा, हार्मोन को कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? कौन सी ग्लैंड करती है आपकी? जल्दी से बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन को कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है बेटा। कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या करती है वो? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकालती है अपने अंदर से। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी है बेटा? टोटल 6 है, जो क्या करती है? हार्मोन्स को निकालती है। तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन सी है इसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा। सबसे पहली कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। सेकंड कौन सी है बेटा इसके अंदर? पीयूष ग्लैंड है। सेकंड कौन सी है आपकी? पीयूष ग्लैंड है। और जो थर्ड है बेटा, थर्ड कौन सी है आपकी? सॉरी, पीयूष सेम ही हो गया यार, पीनल ग्लैंड आएगी। सेकंड कौन सी आपकी? ये निकनेम ही लिख दिया था मैंने, पीनल ग्लैंड। और थर्ड है आपकी थायरॉइड ग्लैंड। फोर्थ है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिफ्थ है आपकी कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। और लास्ट है आपकी थाइमस ग्लैंड। ये वो ग्लैंड है सभी जो क्या करती है बेटा? हार्मोन को रिलीज करती है। बट इसमें भी दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो क्या करती है बेटा? हार्मोन्स को रिलीज नहीं करती। वो कौन सी है बेटा? एक तो पीनल ग्लैंड, ये हार्मोन रिलीज नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है। और एक है आपकी थाइमस ग्लैंड, ये भी क्या नहीं करती? हार्मोन को रिलीज नहीं करती। तो इनमें से 6 में से कौन सी ग्लैंड है इसमें? थाइमस ग्लैंड कहोगे। बट थाइमस ग्लैंड मैंने बताया क्या करती है? हार्मोन को रिलीज नहीं करती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
गैस्ट्रिक ग्लैंड भी नहीं होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा बेटा। क्या होगा इसके अंदर ऑप्शन? नन ऑफ दीज होगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज कहां से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी 6 प्रकार की होती है, 6 में से भी सिर्फ 4 ग्लैंड्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और वो कौन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड और एड्रिनल ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड और पीनल ग्लैंड कभी भी हार्मोन को रिलीज नहीं करती हैं बेटा। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन आरआरबी में कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में, और अभी आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम भी आएगा। जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा प्रॉपर ढंग से, तो आपका पेपर बहुत जल्द होगा। एनटीपीसी वाले भी तैयार रहे हैं आप लोग बेटा, ठीक है? ये एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है, 2015 का क्वेश्चन है ये आपका बेटा, ठीक है? तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स बिकम डिसअपीयर, ध्यान से सुनेंगे बेटा क्वेश्चन, बिकम डिसअपीयर एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 40 years इन फीमेल, इन फीमेल। निम्नलिखित में से वो ग्रंथि कौन सी है, निम्नलिखित में से वो ग्रंथि कौन सी है जो 40 साल की आयु होने के पश्चात महिलाओं में गायब हो जाती है? जो 40 वर्ष की 40 इयर्स की एज कंप्लीट होने के साथ महिलाओं में वह कौन सी ग्रंथि है जो गायब हो जाती है अपने आप? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। सेकंड ऑप्शन है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका थाइमस ग्लैंड। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जल्दी से बताओ मुझे बेटा, जल्दी से बताओ मुझे क्या रहेगा इसका ऑप्शन? कौन सी वो ग्लैंड है जो अपने आप गायब हो जाती है फीमेल के अंदर, अब जब वो 40 साल की हो जाते हैं? जल्दी से बताओ वो कौन सी ग्लैंड है। और ये आपका SSC CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस साल पूछा जा चुका है बेटा ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ मुझे कौन सी है वो ग्लैंड? तो ध्यान रखना बेटा, कौन सी है वो? थाइमस ग्लैंड है बेटा। कौन सी आपकी? थाइमस ग्लैंड, जो डिसअपीयर हो जाती है। और यहां से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इसके, ध्यान रखना बेटा। इस ग्लैंड को परमानेंट ग्लैंड कंसिडर किया जाता है, वहां पर ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, परमानेंट ग्लैंड कंसिडर किया जाता है किसके अंदर बेटा? मेल के अंदर। पुरुषों के अंदर इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? स्थाई ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिसअपीयर नहीं होती, गायब नहीं होती है बेटा। ये पुरुषों के अंदर ये गायब नहीं होती है, अपने आप से ध्यान रखना, ये पुरुषों के अंदर कभी भी गायब नहीं होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने वाली आपको, बहुत अच्छे। दूसरी बात आती है कि इस थाइमस ग्लैंड को ही क्या किया जाता है? टेम्परेरी कंसिडर किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? टेम्परेरी कंसिडर किया जाता है। किसके अंदर कंसिडर किया जाता है बेटा? फीमेल के केस में। किसमें? फीमेल में। फीमेल को इसको अस्थाई ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है बेटा? डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपीयर। कब हो जाती है? जब वो 40 साल के होते हैं, गायब हो जाती है। आया समझ में? तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि को टेम्परेरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, या कौन सी ग्रंथि को परमानेंट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है मेल के अंदर, तो परमानेंट मेल के अंदर और टेम्परेरी फीमेल के अंदर बेटा। आया समझ में? कोई दिक्कत, समस्या है यहाँ पर? कोई परेशानी किसी प्रकार की? तो कोई समस्या परेशानी नहीं है आपको, बहुत बढ़िया है। अब बात आती है बेटा, ये ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट कहाँ होती है? तो ध्यान रखना बेटा, ये चेस्ट कैविटी में होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा ये ग्लैंड? आपके चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां पर होती है? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये कहां पाई जाती है?
मानव शरीर की छाती के अंदर पाई जाती है बेटा, आया समझ में? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। ठोको लाइक, ठोको लाइक और सब्सक्राइब करो अपना चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर मुलाकात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दूंगा बेटा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको देखेंगे आप लोग। हल्का सा बाउंस क्वेश्चन रहेगा बेटा ये, समझने की कोशिश करना। इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन, इन विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन कंसिडर कंसिडर एज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, एज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। किस हार्मोन को कंसिडर किया जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से बेटा? किस हार्मोन को कंसिडर किया जाता है? आपके ऑप्शन है यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। सेकंड ऑप्शन है बेटा एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। थर्ड ऑप्शन है बेटा इसके अंदर आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और डी ऑप्शन है इसके अंदर बेटा आपका सबसे फेवरेट एमएसएच हार्मोन। कौन सा? एमएसएच हार्मोन। कौन सा होगा इसमें से राइट ऑप्शन, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। अरे अब जल्दी से बताओ मुझे कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ यार, बहुत बढ़िया। अरे अब यहां देखना आप लोग बेटा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी, डी इज योर राइट ऑप्शन बेटा। मैंने बताया क्या, लाइफ सेविंग हार्मोन किसको कंसिडर किया जाता है बेटा? लाइफ सेविंग। याद करो मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि सौरव गांगुली दादा वाली बात, विराट कोहली वाली बात और एमएस धोनी वाली बात बताई थी बेटा, बताई थी ना। मैंने कहा था कि जब एड्रेनल हार्मोन की कमी होगी तो डेथ तक हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, यहां देखेंगे ब्लड प्रेशर, किसको? ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट बीट को कंट्रोल करना बेटा, इसको हार्ट बीट को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन होता है। ये कम है किसी के अंदर और उसी शख्स का, उसी पर्सन का, उसी इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए और हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाए तो क्या वो इंसान बच पाएगा, कंट्रोल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्यों? कंट्रोल करने वाला तो ऑलरेडी नहीं है उसकी बॉडी में, तो वो चीजें तो ज्यादा होती चली जाएंगी। और जब ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी तो किसी भी समय हार्ट फेल हो सकता है, आया समझ में? हार्ट फेल हो सकता है तो डेथ हो सकती है उसकी, उसका जीवन क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, वहां पर हो सकता है ना मृत्यु हो सकती है। तो बेटा लाइफ सेविंग हार्मोन इसी को कहा जाता है और ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है आपका, ठीक है? और इसके मैं दो नाम और बता चुका हूं आपको, और वो दो नाम क्या है बेटा, इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब एक और बात इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है, क्वेश्चन यहां से बना रहा हूं मैं, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं बेटा, ग्लैंड का नाम पूछ रहा हूं। तो बेटा जो यहां से ये निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, इस ग्लैंड से निकल रहा है, उसी ग्लैंड ही, वही ग्लैंड क्या हो जाएगी बेटा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या है, कंट्रोल करती है, एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को वो कंट्रोल करती है। आया समझ में? कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यार।
नहीं है ना कोई भी दिक्कत आप लोगों को, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा मैं अगले सेशन के अंदर। और अगले सेशन में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर होगा क्योंकि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो चुका था। आप पीडीएफ में एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको नीचे वीडियो के नीचे, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी वो मैं कर दूंगा, एक दो दिन का टाइम लगेगा बेटा उसमें, मैं वो मैं जरूर कर दूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस की, ठीक है। और मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको रिलेट करवाए जो इस चैप्टर से संबंधित थे और आपके एसएससी के एग्जाम में आए थे, सीए सीजीएल में, सीपीओ के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, और यहाँ तक कि आरआरबी की क्वेश्चंस मैंने बताए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे इसी चैप्टर से संबंधित। तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाना चाहिए, और इनकेस इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी भी इस चैप्टर के अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में डाल दो जो भी डाउट है, आपका डाउट बेटा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा देखो, पसीने देख रहे होंगे ना, दिखाई दे रहे होंगे पसीने, ये पसीने सिर्फ आप लोगों के लिए है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा सीरियस हो गया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपका पेपर आ चुका है। जो जेई वाले बच्चे हैं उनका सितंबर में पेपर है, जिनका सीएचएसएल रुका हुआ था उनका अगस्त के अंदर पेपर है। बेटा आप किसी के इनविटेशन का वेट मत करो कि कोई इनविटेशन देने आएगा तब पढ़ाई शुरू करोगे, नहीं, अब आप स्टार्ट कर दो। आपकी रेगुलर क्लास हो रही है, जनरल साइंस में बायोलॉजी की रेगुलर क्लास हो रही है, आपकी मैथ्स के अंदर संतोष यादव सर की रेगुलर क्लास हो रही है, और टेक्निकल वालों की तो क्लास चल ही रही है, नीरज सर भी ले रहे हैं और राहुल सर भी ले रहे हैं। तो बेटा आप अपनी क्लासेस को रेगुलर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस बारे में सूचना दीजिएगा जिन बच्चों तक अभी तक ये सूचना नहीं पहुंची है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे होंगे वो सभी लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। अच्छे से घर के अंदर सुरक्षित रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो और अपने परिवार को सुरक्षित रखो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।